ऑल राउंड क्या हाल है। वेलकम बैक टू दी अदर व्लॉग। भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। मुझे इंट्रो अभी करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह का इंट्रो मैं करना भूल गया था, तो प्लीज डोंट माइंड। भाई साहब चलते हैं नहाने वाने, कपड़े रख दिए हैं घर पर। अब से जो रोस्टिंग वीडियो मैंने जो तुम्हें बोली थी ना ट्यूसडे सैटरडे को, मैं डेट नहीं बता रहा, जब भी रेडी रहेंगी उसी दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि वजह वाला मैं क्या है भाई साहब, टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि कल जो है मैंने ढूंढने में बड़ा टाइम लगा। मेरे को कुछ चीज़ें मंगानी है, वो मालूम है क्या है, वो इस हेड बेल्ट से रिलेटेड है। क्योंकि ये मैंने मंगा तो लिए बट फ़ोन को हैंडल नहीं कर पा रही, तो इसकी जगह फ़ोन की जगह एक चीज़ और लगती है। ये सब मैं मम्मी पापा जो पैसे दे देते हैं ना मुझे कभी कभार, उन्हीं चीज़ों को जमा कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, उन्हीं चीज़ों को जमा करके मंगाता हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें मंगाने को तो मम्मी बिल्कुल हाँ नहीं बोलती, और जब मैंने खुद मंगाया तो मम्मी डांट भी नहीं थी। क्योंकि ये जो ट्राईपॉड रखा है अपना, ये भाई मेरा माइक, ये जो ट्राईपॉड रखा है ये भी मैंने मंगवाया था का एक दो हफ्ते हो गए थे, 2 हफ्ते जब मैंने पैसे जमा किए थे, तो ये और ये मंगा रहे के पैसे हो गए थे जमा, तो मैंने ये मंगाए। तो ये दवाई है मेरी जुकाम की, तो ये मंगवाने के पैसे जमा हो गए तो मैंने ये मंगवा लिया था। बट उसके बाद मैं दोबारा एकदम खाली हो गया, सारे पैसे खर्च हो गए, तो अब मैंने दोबारा से इकट्ठा किए, तो अब मैं दोबारा से मुझे वो चीज़ें मंगानी है। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत है तुम लोग को चीज़ें दिखाने की, क्योंकि अब मैं थोड़ा कोरोना डाउन हो तो मैं बाहर जाके तुम्हें दिखाऊं। क्योंकि मेनली हेड बेल्ट मैंने स्कूटर की राइड वगैरह जो मैं करने चला जाता हूँ उसके लिए मंगवाई थी, बट दिक्कत ये हो गई, फोन ही मेरा 600 से 700 किलो का है, वो हैंडल नहीं कर पाती। और अगर ऐसा मैंने रोड पर स्कूटर चलाया और मेरी आँख पे आ गया तो ऐसा मैं तो गिरूंगा बहुत बुरी तरह, तो इसलिए मुझे वो हल्का सा चीज़ लेनी पड़ेगी। वो मैं सरप्राइज़ है, वो जब आएगी, अभी मैंने ऑर्डर भी नहीं की क्योंकि अमेजोन पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, और वो तीन चीज़ें हैं और तीन चीज़ मंगा के ज़्यादा पैसों की हैं, तो अभी तो और जमा करने हैं तब मंगाऊंगा। बट मैंने तुम्हें बता दिया, फिलहाल जल चढ़ा के आते हैं। खाने में क्या बनाया है, इसमें अलग छुकरा है, छुकरा है मतलब छोंक मार रहे हैं, इसमें अलग, इसका अलग, इसमें क्या है खोल। अरे सब्जी या आलू की आ गया हूँ मैं, और ये खाते खाते इस नई बुक में लिखते रहेंगे, और पेन ये रहे। तो यार मुझे तो कुछ इतनी अच्छी लगी नहीं जो मैंने अभी वीडियो एक बार शूट की थी, तो मुझे लग रहा है तुम्हें अभी अच्छी नहीं लगेगी, तो मुझे दोबारा शूट करनी पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है सैटरडे तक मुश्किल होगा, बट यार तुम प्लीज़ कंप्रोमाइज कर लेंगे यार। क्या मतलब साल, तो यार ये तो आ गई चाय ब्रेड, पर दिक्कत यह मैं चीनी नहीं डाली, भाई तब खाने को भी नहीं मिलता चेन से, चीनी लेके आनी पड़ेगी। मैं तो चीनी की जगह भूखे डालता हूँ ताकि फटाफट से घुले और फटाफट से। भाई गिरे ना, लाइट भी ऑन हो गई, लाइट भी बंद नहीं कर सकता, टार दन सो रहा है। भाई साहब भूरा कैसे चमक रहा है लाइट के अंदर। भाई साहब बड़े दिनों के बाद, मतलब 2 दिन से जो बुरी हालत है ना उसके बाद आज धूप निकली है। धूप अब चली गई, अभी निकली थी बट अब थोड़ा मौसम है बाहर निकलने का। मम्मी फिर जा रही हैं दांत वाले डॉक्टर पास, ऐसा है ना उनके कैप लगना, जो कैप लगता है लेकिन उसका जो इलाज चलता है ना वो थोड़ा कैप कैप का चलता है, तो थोड़ा पहले इतना वो प्रदीप भैया को भी बुखार है, तो वो भी बहुत दिनों से नहीं आए हैं, मतलब बोर सा हो गए हैं। बट अब कहीं नहीं आ सकते। आज कितने निकले, 253 अलीगढ़ में निकले ओमिक्रोन के केसेस। मम्मी इंतज़ार कर रही हैं बुआ का कि बुआ आएंगी हो जाएंगी, बट अभी तो रास्ते में कहीं बुआ नहीं देख रही हैं आती हुई। बुआ का वो वाला घर है, वो ये वाला बुआ का घर है ना। तो आज सब आज तो 253 निकले, मतलब अब तो उम्मीद ही हट सी जा रही है। बट एक चीज़ ये अच्छी है कि हमारा रूम बनना स्टार्ट होने वाला है, ठंड डाउन हो जाएगा, क्योंकि ठंड में जो वो काम करने वाले जो अंकल आते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, लेट आके जल्दी जाते हैं, क्योंकि सुबह में ठंड लगेगी तो जल्दी चले जाते हैं, रात ठंड लगती है तो जल्दी चले जाते हैं। बट सैटरडे को है ना, मेरी मम्मी है ना रोज़ रात में वेदर देख के सोती है, तुम लोग का वहाँ से पता लग रहा होगा जुकाम की, तो वो सैटरडे को बारिश बोल रहे हैं, सैटरडे को बारिश होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी। वह टार्जन की बहन घूम रही है, टार्जन के भी जहाँ तक है पीठ सही नहीं हुई है, तो वो उठ नहीं पाता, तो एक व्हील कार्ट आती है वो मंगवाई है हमने, डॉक्टर ने कही ये 1 महीना लगेगा इसे ठीक होने में, तो व्हील कार्ट से इसे मूवमेंट करवाओ ताकि वो हिल, मतलब थोड़ा मूव करे तो उसे आदत पड़े, वरना वो पूरा बैठा ही रहता है वो, तो वो व्हील कार्ट आएगी अभी 1-2 दिन में आ जाएगी, 4-5 दिन की बोली थी बट 2 दिन तो ऑलरेडी चलेगा, तो 3 दिन में आ जाएगी कम से कम,
दिल्ली से थोड़ा दूर से मंगवाई है। अब मैं तुम लोग को बताऊंगी क्या मंगा रहा हूँ। मैं मंगा रहा हूँ एक गोप्रो और एक हेलमेट। क्यों? बिकॉज जो भैया के पास जो हेलमेट है उसमें चेन वाला वो नहीं होता, वो नहीं है, और उसी जगह पे गोप्रो लगता है, शील्ड जो होती है ना वो है हमारे में। और जो गोप्रो है भाई, हीरो 9 ये सब वगैरह, तो भाई साहब 50-60 हज़ार के हैं, तो इतने का तो मैं नहीं मंगा पाऊँगा, इतने के पैसे हैं नहीं मेरे पे। तो एक लोकल वाले जो आते हैं मैं वो मंगा लूँगा जो 2 हज़ार के आते हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त और बाकी सब भी कहते हैं तो वो मंगा ले, वो अच्छा भी रहेगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा ध्यान था कि मुझे है ऐसे फ़ोन लगाना है, बट फ़ोन भारी बहुत है तो वो हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए मैं गोप्रो मंगा रहा हूँ। देखो वहाँ से बुआ आ रही होंगी। हमारा ये वाला पौधा, ये भी तुलसा जी का है, ये तुलसा जी का है और ये तुलसा जी का है। ये हम फूलों वाला लाए थे बट इसमें फूल ही नहीं आया अभी तक, तो इसमें जो है अभी तक तुलसा जी नहीं आई है, इसमें तो आ गई है बट ठंड के मारे ये भी हट ही रही है बस। पर इनके नए छोटे छोटे से आ रहे हैं, और ये मनी प्लांट तो है ही, मनी प्लांट ने तो एक खम्बा ही घेर रखा है नीचे का, और एक मनी प्लांट होगा। मनी प्लांट से मनी तो नहीं आता, बुआ आ गई अब तो। अब जा रहे हैं वो लोग डॉक्टर के पास। अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, मैंने एक चीज़ सोची, अपना व्लॉगिंग चैनल हम रखने वाले हैं फैमिली फ्रेंडली, बट व्लॉगिंग ज़्यादातर देखते हैं, रोस्ट ज़्यादा लोग नहीं देखते, बट मैं फिर भी तुम लोग कहोगे कि भाई सब बच्चे तेरी रोस्ट वीडियो देखेंगे, फिर भी मैं एक वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया करूँगा एक टाइटल दे के कि ये वीडियो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। भाई फिर भी बच्चे तो देखो है ही ऐसे, बच्चे नहीं मानेंगे, बट फिर भी यार देखो मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल वो रख रखा है कि अलग सा, और अब मैं अपने व्लॉगिंग चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी नहीं डालूंगा अपने दूसरे चैनल की, ताकि जो बच्चे मेरा ये चैनल देख रहे हैं वो वाला चैनल ना ही देख पाए। जो वो वाली वीडियो मैं डाल दिया करूँगा अपने इस चैनल की, क्योंकि वो देख रहे हो तो फिर तुम ये देख ही सकते हो, बट उस वीडियो में ये फैमिली फ्रेंडली रहेगा उस पर भाई साहब बच्चे तो मत ही जाना, मैं तुमसे फिर दोबारा कह रहा हूँ। ऐसा भी नहीं मैं भयंकर बड़ी बड़ी गालियाँ बकने वाला हूँ, मेरे को जो दिमाग में आएगा मैं वही बकूंगा, मेरे को जो दिमाग में आएगा मैं वही बोलूँगा, ज़्यादा ऐसा भी नहीं रखूँगा कि मतलब लोग देखें ना ये वो बोलें गालियों से ये हो गया वो हो गया, इतनी भी नहीं रहूँगा, बट वो वाला फैमिली फ्रेंडली नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ ये है फैमिली फ्रेंडली। मेरा ये वाला चैनल है इस, ये है येस इट्स मेड फॉर किड्स यूट्यूब सेकंड सेटिंग्स में, और वो वाला चैनल है नो नॉट मेड फॉर किड्स। मैं उस चैनल का नाम भी नहीं लेने वाला ताकि तुम लोग कहोगे भाई नाम ले लिया अब तो देखेंगे देखेंगे, बट है मेरा एक चैनल रोस्टिंग का, अब जिसका मैं नाम वाम नहीं ले रहा फिर तुम बोलोगे, बट वो फैमिली फ्रेंडली नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा बताया जा रहा हूँ कि उस पर बच्चे मत जाना, उस वक्त के मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है जो चैनल का, इतने लोग थोड़े ना लिखते हैं, इतने ज़्यादा मैं सेफ्टी कर रहा हूँ उसमें भी लिख दिया, और अब हर वीडियो के स्टार्टिंग में होगा ही होगा लिखा हुआ, ताकि अगर बच्चे देख भी रहे हैं तो फिर वो एक बार समझ जाए। अब बच्चे ही ऐसे होंगे भाई साहब फिर हम क्या करें। मेरे लिए ठंड के लिए जो पजामे नहीं थे तो मम्मी लाई हैं, एक ही था ये वाला जो मैंने पहन रखा है, कैसा है देखें तो सही है बढ़िया। अब पहनने वहनने वाला हूँ नहीं, यही रहता है सब घर वालों का, पहले पहनाएंगे और जब पहनने का मन नहीं करता तो उसी टाइम कहता है भैया पहन। मैंने अभी एक व्लॉगिंग उसका शॉट मारा है, क्या कहते हैं रोस्टिंग का, मैंने इंट्रो में भी बोल दिया भाई साहब बच्चे मत देखना, भाई साहब मैं बार बार ही बोल रहा हूँ बच्चे मत देखना भाई साहब, क्योंकि उसमें गालियाँ हैं देखना। मैं थोड़े दिन पहले बोला था फैमिली फ्रेंडली है, गालियाँ हैं पीछे वहाँ पे, मैंने कम से कम गालियाँ पकने के इस्तेमाल किए कम से कम, अब वो मुझे नहीं पता कि ज़्यादा बकी हैं या नहीं, क्योंकि वीडियो तो 5 मिनट की बनी है। अभी ये है, ये दादी को दे के आता हूँ, बहुत सारा खाना है तो मैं ना दे के आता हूँ फिर तुम्हें मिलता हूँ। ये क्या हो गया भाई यार, इसका ये निकल गया हुक, ओए ये अबे ये भी निकल गया इसे लगाओ, यार ये तो लग ही नहीं रहा, क्या हो गया इसका होल नहीं मिल रहा। अरे भाई साहब लग जाओ भाई यार, मम्मी डांटेगी। इसका वाला नहीं मिल, ये रहा इसका वाला भी मिल गया, इसका भी लगा है लग गया। ये फ़ोन किसका आ रहा है भाई साहब, 2 बज गए हैं और अब है ना बाहर धूप आ रही है, धूप आ रही है या नहीं पता, मैंने देखा नहीं पता, गर्मी से हो रही है कमरे के अंदर। बाबा दादी वगैरह बूस्टर लगवाने जा रहे हैं इंजेक्शन, मेरा अब एक सेकेंड डोज जो है वैक्सीन की वो लगेगी 7 फरवरी को, ये वाली की तो मैं डेट ही भूल गया कब लगी थी, बट अब जो लगेगी वो लगेगी 7 फरवरी को। ये टार्जन, टार्जन की मैं नाक के बाद ले जाता हूँ पर ये कभी कभार सूंघता है, पर ये जो है ना हमारा डोर खुलता नहीं है, तो इसकी एक टेक्निक है, ये देखो यहाँ पे इस वाले पे पैर रखा इस वाले पे और दबाया और खोल गया आसानी से। ब्रो आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब अच्छा और लगता है सब इंडिया बोलने में। मैंने दोबारा से एक वीडियो की थी रोस्टिंग की, वो भाई सभी का हो गया और उसमें ज्यादा अपशब्द बोल दिए मैंने। ओ
भाई मेरी गर्दन में इतने झटका आया। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, मती देख रहे हैं बच्चे उसे। भाई साहब अब बज रहे हैं 4। भाई साहब मेरा अब तो पूरे पूरे दिन सिर्फ यूट्यूब में क्या बनाना उसी में सोचने में चले जाते हैं सब। भैया बाहर बैठ के हर चीज पी रहे हैं, मेरा लाया हुआ हर चीज पी रहे हैं ये। अभी सर गए हैं पढ़ा के मुझे, और मैं क्या कह रहा हूँ कि अब बाकी का जो स्क्रिप्ट वगैरह वो बाद में लिखेंगे हम लोग। अब सर में दर्द हो रहा है यार। आप लोग यार एक बार सर सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो यार प्लीज़, क्योंकि देखो मम्मी मम्मी तो कोई सपोर्ट करता नहीं है यूट्यूब में। वो तो यार आप लोग भी नहीं करोगे तो फिर मेरा तो मन ही नहीं करेगा ना ब्लॉग बनाने का यार। इसलिए जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा के जाया करो प्लीज़ यार। एक तो मेरी हालत बुरी हो जाती है छोटा सा फ़ोन में एडिटिंग मारने में, लोग सही कह रहे थे भाई साहब कंप्यूटर में मेरे सारा ख़राब पड़ा है, चलता है नहीं, लैपटॉप के पैसे है नहीं। पर इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ी बहुत अच्छे से, पर अब दिमाग ख़राब होता है इसमें एडिटिंग करने से। बड़ा छोटा छोटा सा लगता है भाई, हाथ ही नहीं अच्छे से एडजस्ट हो पाते मेरे। पर यार कोई नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ही। पर यार आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करके जाया करो। सोचता हूँ मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जब अब भी कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, कोई ब्लॉग नहीं देखता मेरे, कोई भी ब्लॉग नहीं देखता। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कोई भी नहीं देख रहा होगा, जो बाकी सारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, सिर्फ जितने ब्लॉग मैंने बनाए उनसे भी वो कम बनाते हैं, उनके कैसे बढ़ जाते हैं। मैं तो और अच्छे से एडिट मार रहा हूँ, वो तो उतना भी नहीं मारते हैं, फिर भी उनके बढ़ जाते हैं। और उनके तो भाई साहब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई साहब उनके पिन वगैरह आ जाते हैं एडिशंस के। मुझे तो अब पता लगी है यूट्यूब में एडिशंस वगैरह का क्या सीन होता है, उन लोग के एडिशंस के पिन आ जाते हैं इतनी जल्दी। मैं पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ यार। इसलिए यार आप प्लीज़ सपोर्ट किया करो, सब्सक्राइब करके जाया करो। मैं वीडियोज़ ही देख रहा था कि कैसे कैसे और स्क्रिप्ट लिखूँगा, तो मैंने ये बोला कि अब वीडियो डिले होगी, सैटरडे को नहीं आएगी। हफ्ते का हिसाब नहीं कि हफ्ते में हर दिन आ जाएगी, बट दिक्कत ये है ना कि भाई अच्छी एडिटिंग भी चाहिए, क्योंकि अब वीटा ऐप जो है इतनी एडिटिंग मेरे ख्याल से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जितनी मुझे चाहिए जिस हिसाब से। तो इस चक्कर में वीडियो थोड़ा डिले होंगी, आप चिंता मत करना। थोड़ी देर में लेट गया था, थोड़ा सा मेरा सर दर्द ठीक हुआ है। पर एक चीज़, ये हीटर के हुक निकल गए थे ना, उसके हाथ से आवाज़ करने लग गया। इसका पता नहीं नट वगैरह ढीले हो क्या हो गया इसे। बहुत पुराना हीटर है, नया नहीं लाया मैं अभी तक, बहुत पुराना है ये। मुझे है ना अपनी सारी चीज़ें इसमें रखनी है। ये देखो ये मेरे पेन थे, एक पेन आज मेरा खो गया था, फिर मैंने एक नया निकाला बट वो मुझे मिल गया। फिर मैं अभी बैठ के यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो मुझे थोड़ी सी एक वीडियो मिली थी वैसी वाली, तो उसको मैं हाथों हाथ में स्क्रिप्ट भी लिखता जाता हूँ। लोग 10 मिनट ज़्यादा का बना, मैं ज़्यादातर सोचता हूँ 10 मिनट के अंडर के बनाने के, ताकि तुम लोग को भी देखने का मौका मिले, पर तुम देखते नहीं हो। हाँ एनीवेज, तो इसलिए ये वाला थोड़ा लंबा बना, बट कोई नहीं, ये मेरा कीबोर्ड है गेमिंग का, तो ये है ना गंदा था, तो कल मैंने ब्रश से इसे साफ़ किया एकदम अंदर से, बट इधर फिर भी धूल आ गई है, बट इधर का एरिया साफ़ है। ये जब मैं 2-3 साल पहले मंगाता रहता था ऐसी ऐसी चीज़ें, तब तो पापा पैसे देते थे तब मंगा लेते, अब भी पापा ही देते हैं। अब भी पापा जब लखनऊ से आते हैं तो वो जो है मेरे को 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऐसे देके जाता है, जो मैं रख लेता हूँ। पहले मैं खर्च कर देता था ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाने में, अब मैं रखता हूँ और उनसे अलग चीज़ें मंगाता हूँ। फिलहाल अब बारी है व्लॉग एंड करने की। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना। बाय बाय।